उत्तराखंड में जारी राष्ट्रपति शासन को लेकर हाईकोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है और केंद्र सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े करते हुए फटकार भी लगाई है। राष्ट्रपति राजा नहीं, उनसे भी हो सकती है गलती, ये कहना है उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट का। सूबे में राष्ट्रपति शासन को लेकर जारी सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को काफी गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए ASG ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रपति के फैसले पर कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, राष्ट्रपति राजा नहीं है और उनसे भी गलती हो सकती है, राष्ट्रपति का फैसला भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। दरअसल ASG ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सदन में विनियोग विधेयक फेल हो गया था और सरकार अल्पमत में थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंगलवार को आपने 35 विधायकों की बात कही थी, लेकिन राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में इसका जिक्र नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल ने रिपोर्ट में 9 बागियों का जिक्र क्यों नहीं किया, सिफारिश में सिर्फ 27 भाजपा विधायकों का ही हवाला क्यों दिया, जिसके जवाब में केंद्र ने कहा कि ये सवाल राष्ट्रपति ने नहीं उठाया, चाहते तो सिफारिश पुनर्विचार को लौटा सकते थे। केंद्र के जवाब से नाराज कोर्ट ने कहा, कैबिनेट ने सिफारिश की, राष्ट्रपति ने मान ली, लेकिन राष्ट्रपति का फैसला हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने राज्यपाल और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल केंद्र का नौकर नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कब और किन परिस्थितियों में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और किस तरह से ये लड़ाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची। 18 मार्च को ही बागी विधायकों ने BJP का दामन थामा, अल्पमत में आई कांग्रेस सरकार। 19 मार्च को राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने का वक्त दिया। 26 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। 27 मार्च को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। 28 मार्च को कांग्रेस कैबिनेट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 29 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राष्ट्रपति शासन टालते हुए 31 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। 30 मार्च को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक और तभी से उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट की केंद्र को लगाई फटकार से कांग्रेसी खेमे में जरूर खुशी देखी जा सकती है, पर सरकार बनाने के लिए दिल्ली अभी दूर ही लगती है। देखते रहिए GP Live।